हमारे साथ यहाँ पर दो है हमने दो तरह से कर लिया अचानक तो अगर कोशिश ये तो करो, के आपकी अच्छी करो अगर दिमाग में टेंशन नहीं चाहते कोशिश ऐसे करो कि आप हमेशा ऊपर से देखो जमीन की तरफ आसानी होती है ऊपर देखने में पीठ मुड़ जाती है कई बार तो गलती हो जाती है उस दर्द की वजह से ठीक है ना तो अगर आपको ऐसे दिया जा रहा है देखना मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लंबा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूं और करते हैं हम डैश ए बी सी ठीक है फिर नीचे की तरफ सॉलिड एक्स वाई बस फिर इधर की तरफ घूम गए सॉलिड के और एल के और एल फिर इधर घूम गए ऐसे ही चलेगा ये और इस जगह पी और क्यू फिर इस तरफ घूम गए और सॉलिड डैश एम एन सही है सब कैपिटल है तो इस विचारों को स्मॉल क्यों लिखे और लास्ट में यहां पर सी एस सी था और यहां सी टू एच फाइव लिख देते हैं बहुत सही है अब इसको बहुत जल्दी बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं एक ही तरीका बना रहा हूं अपना वाला तरीका इसको ऐसे कर लो अच्छी बात यह है कि सी टू एच फाइव से चालू हुए थे सी टू एच फाइव दोनों नीचे ठीक है बहुत प्यार से डैश सॉलिड तो यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरी आदत है ऊपर से देखने की तो मैंने कोशिश करा कि ये सॉलिड डैश वाले ऊपर ही दिखे ये नीचे वाले ऊपर कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और हमेशा ऐसे ही करता हूँ डैश फिर सॉलिड कितनी बार आएगा ये वाला ये वाला पॉइंट आ गया तो बताओ डैश पे ये जो वाई है ये किस पे जाएगा ऊपर जाती सॉलिड तो ये सॉलिड पे दिमाग नहीं लगाना है एक्स दिमाग लगाते ही गलत होगा कहीं कोई दिक्कत है आ गई बात समझ में फिर क्या आया एक और आया अब कौन आएगा के और एल तो डैश डैश पे के और सॉलिड पे एल समझ में आ रहा है फिर क्या आ रहा है एक बार और डैश डैश पे Q और सॉलिड पे P Q कैपिटल लिख देते बोलो याद सुनो आ गई बात समझ में फिर कौन आया M और N डैश और सॉलिड पे डैश पे एन डैश उधर लिखो डैश बना के एन लिखो लेकिन और यहां पर सॉलिड पे एम क्योंकि हमारी आदत है डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड डैश सॉलिड ही लिखने की तो वो सॉलिड डैश अच्छा नहीं लग रहा डैश सॉलिड का लेकिन तरीका ये बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कोई दिक्कत आई समझने में बोलो आई या नहीं आई तो आपने इस सॉलिड डैश को डैश सॉलिड लिखा है तो सॉलिड के साथ सॉलिड वाला ही अटैच दिखना चाहिए जगह कोई दिक्कत नहीं है ये मानते हुए कि सामने वाले को ऐसे ही लिख के देना चाहिए अब कैसे देखोगे ऊपर से देखोगे ऊपर से देखते वक्त आप क्या करोगे कितने कारल है? एक दो तीन चार पांच इजी है सबसे पहले क्या लिखोगे सी एस थ्री और सी टू एच फाइव अगर आपने ऐसा लिख दिया सी एस थ्री और सी टू एच फाइव तो इसका मतलब आपकी आंखें इस तरफ से समझ में आ गई बात तब तो मेरे लिए बहुत आसान है सॉलिड बी कहां पर रहेगा मेरे लेफ्ट में सही है तो जितने भी सॉलिड है वो सब लेफ्ट में बी वाई एल पी एम को समझ में आया और जितने भी डैश हैं ए एक्स के क्यू खत्म पूरी कहानी खत्म समझ में आ गई यार कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा ऐसा लग रहा है नहीं है टफ लगा आपको नहीं है ना तो होता ही नहीं है वो तो लेकिन अगर किसी ने कह दिया नहीं मैं ऐसे देखूंगा देख ले मेरे तो ना दिक्कत आ रही है एक दो तीन चार पांच ऐसे भी देख सकता है ऐसे देखते सी टू एच फाइव यहां आया और यहां क्या हो जाएगा सी थ्री और अब आपके लिए जो एम था वो वहां चला जाएगा एम वहां चला गया समझ में आ गया एम के साथ ये वाली पूरी लाइन इधर आ जाएगी एम के बाद कौन आता है पी एल वाई बी और एम के सामने कौन था एन तो ये वाली पूरी एन क्यू के एक्स सो इजी so है ऐसे देख लो बिल्कुल सही है या नहीं है आपने ऐसे देखा एम आपके पास इधर आया एन इधर आया एम इधर आया यानी सारे सॉलिड इस तरफ आ गए आपके राइट की तरफ राइट की तरफ आ गए